दोस्तों, जब कंटेनर शिप में कंटेनर या किसी अन्य सामान की लोडिंग होती है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर लोडिंग करते वक्त नीचे गिर जाते हैं और कभी कभी कंटेनर के साथ क्रेन मशीन भी गिर जाती है। तो आज जानेंगे कि आखिर उन कंटेनर का क्या होता है और ये एक्सीडेंट कैसे होता है। दोस्तों, जो कंटेनर लोडिंग करते वक्त गिर जाते हैं उन कंटेनरों को अलग रख दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर कहीं ऐसा सामान हो सकता है जो गिरकर टूट जाता है। लेकिन जब भी समुद्र में कंटेनर शिप से गिर जाते हैं तो उन कंटेनरों को नहीं उठाया जाता है क्योंकि उनको उठाने के चक्कर में और भी कंटेनर गिर सकते हैं। लोडिंग करते वक्त कंटेनरों के गिरने का मेन कारण होता है क्रेन की चैन से कंटेनर सही ढंग से नहीं लगा हो या छोटी क्रेन से बड़े व हैवी कंटेनर उठाए जा रहे हो जिसमें कंटेनर क्रेन से ही पानी में चले जाते हैं। हर साल शिप से 100 या 200 कंटेनर पानी में गिर ही जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।